सबसे पहले अपने ले रहे हैं दोस्तों नाउन को, नाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको नाउन की नाउन के बारे में बात करता हूं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है, ठीक है ना। ये बीच में दोस्तों अपने क्या लगा रहे हैं, एक वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के इस साइड जनरली सब्जेक्ट, वर्ब के इस साइड ऑब्जेक्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, राम नोज अमन। अब दोस्तों राम क्या है, नाउन, अमन भी क्या है, एक नाउन। अब जिन लोगों को नाउन का भी नहीं पता, उनके लिए बस एक ही सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगा, हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन है। अगर बोलो यार वो पकड़ाना, वो चीज देना एक बार, वो देना एक बार, तो वो अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन ही है। तो अगर मैं कहूं उसको बुलाना एक बार, अगर वो राम है तो नाउन ही है, अमन है तो नाउन ही है। तो देखो अब इस सेंटेंस के अंदर राम भी नाउन है, अमन भी नाउन है, लेकिन ये जो जगह है, क्योंकि ये वर्ब है सेंटेंस के अंदर, और ये जो जगह है, ये जगह है सब्जेक्ट की, और ये जो जगह है, ये जगह है ऑब्जेक्ट की। इट मींस राम है तो नाउन, लेकिन अभी काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। अमन है तो नाउन, लेकिन अभी काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो अभी ये नाउन है लेकिन सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं, अमन नोज राम, मैंने लिख दिया अमन नोज राम। अब इसके अंदर अमन अभी भी नाउन है, राम अभी भी नाउन ही है, लेकिन अब अमन कौन सी जगह पे खड़ा हो गया है, अब अमन सब्जेक्ट वाली जगह पे खड़ा हो गया है और राम ऑब्जेक्ट वाली जगह पर खड़ा हो गया है। अब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये है तो नाउन, पर अगर ये सब्जेक्ट वाली जगह पर खड़े होंगे तो ही सब्जेक्ट कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर खड़े होंगे तो ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बता चुका हूं, आप उनको जरूर देख सकते हैं। सो दोस्तों पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब अपने बात करते हैं प्रनाउन की, कि एक प्रनाउन कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संसाधनों की एब्सेंस में, सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, इस वजह से वो अच्छी ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है और ये उन लोगों के काम आ सकता है जो सिर्फ यूट्यूब के सहारे शिक्षा ले रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया। दोस्तों धन्यवाद।